या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी कब कौन सा मौका मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना परिवारवाद नहीं चलता है, ये कार्यकर्ताओं के लिए। और आज जिस तरीके से जनसैलाब कार्यकर्ताओं का उमड़ रहा है और अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का इस गुलाबी नगरी के अंदर स्वागत कर रहे हैं, वो स्वागत देखने लायक है। और ये जो सीपीजी का कार्यकाल रहा है ये भी बहुत अच्छा रहा है। आने वाले मदन राठौड़ जी का कार्यकाल भी राजस्थान के इतिहास में नया अध्याय लिखेगा। देखिए, कसौटी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा जनता की कसौटी पे खड़ा उतर के ही यहाँ तक पहुँचता है। आपने कोरोना काल जैसा समय भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे था। हम पद की लालसा के विषय से काम नहीं करते। निश्चित रूप से माननीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर आने वाले उपचुनाव और पंचायती राज, नगर निकाय और नगर निगम के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। यहाँ सामूहिक जीत होती है और सामूहिक हार होती है, हर निर्णय सामूहिक होता है। इसलिए पर्टिकुलर अध्यक्ष जी या उसका नहीं, हाँ, नेतृत्व की क्षमता के ऊपर जरूर तय करता है। और भारतीय जनता पार्टी जिसमें क्षमता होती है उसी को बनाती है। मैं फिर कहूँगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है इसलिए यहाँ कार्यकर्ता को सब कुछ मिलता है।